नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कुछ ऐसे इंजेक्शंस के बारे में जिन्हें आपके लिए जानना जरूरी है और इन इंजेक्शंस को किन किन कंडीशन में उपयोग में लिया जाता है। तो इन इंजेक्शंस की पूरी जानकारी जानने के लिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें, तभी आप इन इंजेक्शंस की पूरी जानकारी को जान पाएंगे। और उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो यहाँ पर वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर जो पहला इंजेक्शन है वो है फेनिरामाइन मेलिएट इंजेक्शन। ये आपको मार्केट में एविल नाम से मिल जाता है। अगर हम इसके यूजेस की बात करें तो इसका उपयोग एलर्जिक रिएक्शन, जब किसी को एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है तो वहाँ पर इस इंजेक्शंस का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा रनिंग नोज, जब नाक बहती है तो वहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है, या फिर ईचिंग हो रही हो किसी को तो वहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है, आई रनिंग, आँखों से पानी आ रहा हो, वी वाइट, इंसेक्ट वाइट, किसी को मधुमक्खी वगैरह काट लेती है, कोई कीड़ा काट लेता है तो उस कंडीशन में इस इंजेक्शंस का उपयोग किया जाता है, स्किन में रैसेस हो या फिर इडिमा आ गई हो तो उस कंडीशन में इस इंजेक्शंस का उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पर अगला जो इंजेक्शन है वो है डाइक्लोफिनेक सोडियम इंजेक्शन, और ये इंजेक्शन आपको मार्केट में डायनापर नाम से मिल जाता है। और इसके उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग वोन एंड ज्वाइंट पेन, यदि किसी को जोड़ों में दर्द हो रहा हो या हड्डियों में दर्द हो रहा हो तो उस कंडीशन में इस इंजेक्शंस का उपयोग किया जाता है, या फिर किसी को बॉडी में पेन हो रहा हो, किडनी स्टोन पेन हो, गुर्दे में पथरी की वजह से जो दर्द होता है उस कंडीशन में भी इस इंजेक्शंस का उपयोग किया जाता है, मसल्स पेन हो, मांसपेशियों में दर्द हो, सिर दर्द हो रहा हो या फिर कमर में दर्द हो रहा हो, डेंटल पेन हो तो उस कंडीशन में इस इंजेक्शंस का उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पर अगला जो इंजेक्शन है वो है पैंटाप्रोजोल इंजेक्शन, और ये इंजेक्शन आपको मार्केट में पैंटॉप नाम से मिल जाता है। अगर हम इसके यूजेस की बात करें तो इसका उपयोग पेप्टिक अल्सर में किया जाता है, या फिर किसी को गैस एसिडिटी की समस्या हो तो उस कंडीशन में इस इंजेक्शंस का प्रयोग किया जाता है, या फिर किसी को गैस्ट्रिक एसिड रिफ्लक्स डिजीज हो तो उस कंडीशन में इस इंजेक्शंस का उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पर अगला जो इंजेक्शन है वो है ओंडेंसेड्रोन इंजेक्शन, और ये आपको मार्केट में ओंडम नाम से मिल जाता है। इसका उपयोग जो है नौजिया और वॉमिटिंग के केस में किया जाता है, यदि किसी को जी मिचला रहा हो, उल्टियाँ आ रही हो तो वहाँ पर इस इंजेक्शंस का उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पर अगला जो इंजेक्शन है वो है डेक्सामेथासोन, और ये इंजेक्शन आपको मार्केट में डेकाडान या फिर डेक्सोना नाम से मिल जाता है, और इसका उपयोग जो है एलर्जी किसी रिएक्शन हो जाता है, यदि किसी को एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है तो उस कंडीशन में इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है, कोई वी वाइट या फिर कोई इंसेक्ट वाइट, कोई कीड़ा काट लेता है या मधुमक्खी काट लेती है तो उस कंडीशन में इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है, या फिर किसी को खुजली की समस्या हो, स्किन में रैसेस आ गए हों तो उस कंडीशन में इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है, किसी को अस्थमा की प्रॉब्लम हो जिसमें व्यक्ति को सांस लेने में कठिनाई हो रही हो तो उस कंडीशन में इस इंजेक्शंस का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा स्किन में किसी प्रकार की समस्या हो गई हो, स्किन डिसीज़ हो तो वहाँ पर इस इंजेक्शंस का उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पर अगला इंजेक्शन है एट्रोपिन इंजेक्शन। इस इंजेक्शन का जो पॉपुलर ब्रांड है वो है ट्रोपिन। अगर हम इस इंजेक्शंस की यूजेस की बात करें तो इस इंजेक्शंस का उपयोग ब्रैडीकार्डिया, जिसमें व्यक्ति की हार्ट बीट जो है वो कम हो जाती है तो उस कंडीशन में इस इंजेक्शंस का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा पेस्टिसाइड पॉइजनिंग, जब व्यक्ति को पेस्टिसाइड की पॉइजनिंग हो जाती है तब भी इस इंजेक्शंस का उपयोग किया जाता है। इस इंजेक्शंस का अगला उपयोग है डिक्रीज सलाइवा। इसमें क्या होता है, सर्जरी के पहले इस इंजेक्शंस का उपयोग जो है किया जाता है, जिससे कि सर्जरी के दौरान सलाइवा का प्रोडक्शन कम किया जा सके, जिससे कि सर्जरी जो है वो आसानी से हो सके। अब यहाँ पर अगला जो इंजेक्शन है वो है हाइड्रोकॉर्टिसोन इंजेक्शन,
और इस इंजेक्शंस का पॉपुलर ब्रांड है वो है प्राइमाकॉर्ट, और इस इंजेक्शंस का उपयोग सीवियर एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है तो वहाँ पर इस इंजेक्शंस का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा स्किन प्रॉब्लम्स, स्किन से संबंधित कोई विकार होता है तो वहाँ पर भी इस इंजेक्शंस का उपयोग किया जाता है, या फिर किसी को अस्थमा की प्रॉब्लम हो जिसमें व्यक्ति को सांस लेने में कठिनाई होती है तो वहाँ पर भी इस इंजेक्शंस का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा लीवर में इन्फ्लेमेशन हो गई हो तो वहाँ पर भी इस इंजेक्शंस का उपयोग किया जाता है। वॉन डिसीजेस, हड्डियों से संबंधित कोई विकार हो जाता है जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो जाता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है तो वहाँ पर इस इंजेक्शंस का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा कैंसर के ट्रीटमेंट में भी इस इंजेक्शंस का उपयोग लिया जाता है। यहाँ पर जो अगला इंजेक्शन है वो है डोपामाइन इंजेक्शन, और इस इंजेक्शंस का जो पॉपुलर ब्रांड है वो है डोपार। अगर हम इसके यूजेस की बात करें तो इसका उपयोग कार्डियोजेनिक शॉक, यह एक प्रकार का शॉक है जिसमें व्यक्ति की हार्ट की ब्लड फ्लो करने की क्षमता जो है वह बिल्कुल कम हो जाती है, हार्ट जो है पूरी बॉडी में ब्लड फ्लो नहीं कर पाता है। यह स्थिति तब होती है जब व्यक्ति को हार्ट अटैक आ जाता है तो उसके ट्रीटमेंट में भी इस इंजेक्शंस का उपयोग किया जाता है। अब इसका अगला जो उपयोग है सेप्टिक शॉक, यह एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें व्यक्ति की बॉडी का कोई पार्ट अचानक से काम करना बंद कर देता है और व्यक्ति का ब्लड प्रेशर अचानक से कम हो जाता है तो उसके ट्रीटमेंट में भी इस इंजेक्शंस का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आ जाता है तो उस कंडीशन में भी इस इंजेक्शंस का उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पर अगला जो इंजेक्शन है वो है ट्राइमसिनोलोन एसिटोनाइट, और इस इंजेक्शंस का जो पॉपुलर ब्रांड है वो है कैनाकॉर्ट। अगर हम इसके यूजेस की बात करें तो इसका उपयोग एलर्जिक रिएक्शन, यदि किसी को एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है या फिर किसी को स्किन डिजीज हो जाती है तो वहाँ पर भी इस इंजेक्शंस का उपयोग किया जाता है। आई डिजीज, आँखों से संबंधित कोई विकार हो जाता है तब भी इस इंजेक्शंस का उपयोग किया जाता है। पेनफुल मसल्स, मांसपेशियों में जब दर्द होता है तब भी इस इंजेक्शंस का उपयोग किया जाता है। इंटेस्टाइनल डिसीज, आंतों से संबंधित कोई विकार हो जाता है तब भी इस इंजेक्शंस का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा आर्थराइटिस गाउट, आर्थराइटिस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें व्यक्ति को हड्डियों में दर्द रहता है, जोड़ों में स्वेलिंग आ जाती है तो उसके ट्रीटमेंट में भी इस इंजेक्शंस का उपयोग किया जाता है। उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको अच्छे से समझ आई हो। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।